इंसान की असल वक़्त उसकी तन्हाई में लिए गए फ़ैसलों से होती है। जो सच्चाई से डरता है वो ज़िंदगी की असल खूबसूरती से महरूम रहता है। जिस इंसान की नीयत साफ़ है उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। ज़िंदगी के सफ़र में असल साथी आपकी सोच होती है। आपका असली इम्तहान उस वक्त होता है जब आपको कोई देख नहीं रहा होता। अच्छी बात को सुनना एक नेमत है, लेकिन उस पर अमल करना सबसे बड़ी किस्मत। लोग आपको तब समझेंगे जब आप खुद को समझने लग जाएंगे। गैरत वो है जो आपको गलत को गलत कहने की हिम्मत देती है। एक मुसाफिर को अपनी मंजिल कभी नहीं भूलती। सब्र का असल मजा तब है जब आपको सब कुछ कहने का हक हो फिर भी आप चुप रहें। लोग सिर्फ वही देखते हैं जो आप उन्हें दिखाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो देख रहा होता है जो आप छुपाते हैं। दो लोग इंसान को कभी नहीं भूलते, एक वो जो मुश्किल वक्त में साथ था और एक वो जो मुश्किल वक्त का सबब बना। जितनी छोटी सोच होगी उतनी ही ज्यादा शिकायत होंगी। आपकी आजमाइश तब होती है जब दुनिया आपको समझ नहीं रही होती। दिल का हाल सिर्फ वो समझता है जो आपका सबसे करीबी होता है। अंदर की खुशबू बाहर की रोशनी को तय करती है। रिश्ता वो नहीं जो सिर्फ नाम से झूठा है, असल रिश्ता वो है जो वक्त और हालात में कायम रहे। आप अपनी फितरत से दूर नहीं भाग सकते। जो आपको समझाए नहीं बल्कि आपकी बातों को सुनकर खामोश रहे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन आपकी अपनी सोच हो सकती है। हर शख्स अपनी मोहब्बत में इखलाक को पहचान लेता है। इंसान की असली आजमाइश तब होती है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। बड़ी बात वो है जो आपको बदलने पर मजबूर कर दे। आप कहते हैं लोग नहीं समझते, शायद आप अपने दिल की बात कह ही नहीं पाते। जिस शख्स ने आपको खुद से पहले समझा वो सबसे बेहतर दोस्त है। जख्म तब बढ़ते हैं जब इंसान उन्हें अंदर दबा के रखता है। इंसान की असल पहचान उसकी खामोशी में छुपी होती है। आपके लिए सबसे मुश्किल वक्त ही सबसे बड़ा सबक है। वो लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपकी खामोशी भी समझ जाते हैं। जितना अपने दिल को साफ रखोगे उतनी ज्यादा रोशनी आपकी जिंदगी में होगी।